डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस का। ये टॉपिक सेल टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स मीन्स क्या, एसटी की बात करूंगा और वैट की बात करूंगा। एसटी मतलब सेल टैक्स की बात करूंगा, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। अब डियर स्टूडेंट, बात करते हैं हम सेल टैक्स की, राइट। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया समझने के लिए, एसटी चार्ज होता है शॉपकीपर के द्वारा, इससे कस्टमर से लिया जाता है। जब कोई शॉपकीपर सामान सेल करता है, ठीक है, तो जो सामान सेल करेगा उसी में इंक्लूड होता है, राइट। जैसे आप सामान कोई ले रहे हो और ये सामान हमारा 20 रुपए का, तो आपका इसी में क्या इंक्लूड होता है, जुड़ा होता है। तो मैंने क्या बोला, एसटी चार्ज किसके द्वारा होता है, शॉपकीपर के द्वारा। शॉपकीपर का मतलब क्या होता है, दुकानदार के द्वारा। किसे लेता है, कस्टमर से लेता है। कब लेता है, जब सेल करता है कोई आइटम, राइट। और उसमें ये क्या है, एडेड होता है बिल में। तो मान लो आप 20 रुपए का सामान ले रहे हो, अलग से नहीं ऐड करेगा, कि 20 रुपए का आपका क्या है, ये सामान हो गया, 5 रुपए आपका सेल टैक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सामान लोगे ना उसमें एडेड होता है पहले से, तो आपको पता नहीं चलता है, राइट। आप टैक्स देते हो लेकिन आपको पता नहीं चला। आपने तो बोला कि मैंने 20 रुपए का सामान लिया, लेकिन उसमें आपने टैक्स पेड किया, इनडायरेक्ट किया, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, राइट। और जो ये सेल टैक्स पेड कर दो, किसको, कहाँ पे जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सेल टैक्स इज पेड इन अ स्टेट, ये कहाँ पे जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, राइट। अब बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स की। वैल्यू एडेड टैक्स मीन वैट की बात करता हूँ। आप बहुत सारे बच्चे वैट वैट करते हैं और उनको समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या होगा, समझ लो। वी का मतलब वैल्यू, ए का मतलब एडेड, और टी का मतलब टैक्स की बात करता हूँ। वो हमेशा याद करना, जब भी वैट की बात आ रहा है तो वैल्यू एडेड टैक्स की बात आ रही है, राइट। अब ये जो स्टूडेंट होता है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूड द टैक्स, राइट। डिफरेंट आइटम पे डिफरेंट लगता है, ये क्या होता है, जो आर्टिकल लोगे उसमें इंक्लूड होता है अलग, लेकिन ये अलग अलग अगर आइटम है, ठीक है, तो आपका टैक्स भी अलग अलग होगा, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूड द टैक्स कॉल्ड वैट। मतलब क्या है, कोई भी आर्टिकल ले रहे हो, कोई भी सामान खरीदो, उसमें जो टैक्स आपका इंक्लूड है वही क्या है, वैट है। बट सब जगह आपका टैक्स क्या लगेगा, एक नहीं लगेगा। जब किसी में 5% तो 5% सब में नहीं लगेगा, अलग अलग सामान है तो अलग अलग टैक्स लगेगा, राइट। तो मैंने ले लिया डिफरेंट आइटम कैरी वैट एट डिफरेंट रेट, जैसे जैसे आइटम होगा वैसे वैसे टैक्स लगेगा, राइट। अब आपने समझ लिया कि सेल टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो सेल टैक्स किसके द्वारा लिया जाता है, तो शॉपकीपर के द्वारा। किससे लिया जाता है, कस्टमर से। तो कब शॉपकीपर लेता है, जो सेल करता है तब भी लेता है, राइट। उस पर लिया जाता है किसी भी आइटम पे, भाई एडेड टू द शॉप वैल्यू ऑफ द बिल। और क्या होता है, जो बिल में आपको क्या एडेड होता है, राइट। तो आप ऐसे समझो, बिल का मतलब ये नहीं समझना है कि 30 रुपीज का ये आइटम, 30 रुपीज का ये आइटम, 40 रुपीज का ये आइटम, आप टोटल करेंगे रेस्टोरेंट ये हमारा 90 रुपीज। अब इसमें अलग से 5 रुपीज या 50 रुपीज ऐड कर देंगे तो 105 आ गया। अब ऐसा कुछ नहीं होता, जो आप सामान खरीदे उसमें टैक्स आपका ऐड होता, राइट। सामान जो खरीदोगे उसमें टैक्स क्या होगा, इंक्लूड होता, अलग से नहीं देने की जरूरत है, राइट। अब ये आपने समझा कि सेल टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स उसी तरह का है, ठीक है। ये प्राइस, प्राइस जो होता है, प्राइस किसी भी आर्टिकल का, उसी में क्या है, टैक्स इंक्लूड है, राइट। तो उसे वैट बोलेंगे, और अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे आप क्लास में देख रहे हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो तो क्लास के हिसाब से फीस लेते हैं, ऐसा तो उठना 6 में पढ़ रहे हो तो 2000, 7 में पढ़ो 2000, डिफरेंट होगा। 6 में पढ़ोगे तो 2000, 7 में पढ़ोगे तो 2300 लगेगा, 8 में पढ़ेंगे तो 2500 लगेगा, 9th में पढ़ेंगे तो 3000 लगेगा। तो
क्लास अलग है तो डिफरेंट है, डिफरेंट आपका क्या है, पीवी डिफरेंट है राइट, क्योंकि सब कुछ डिफरेंट होगा ना, क्लास अलग है तो सिलेबस अलग है, सब कुछ अलग। तो यहाँ पे हमें क्या अमाउंट से मतलब है, सेल टैक्स का मतलब ऐसा थोड़ी ना गल से शुद्ध ला के दे दें, जो आप सामान खरीदते हो उसमें इंक्लूड। अभी मैंने आपको समझाया क्लास से कि क्लास हमारा अलग है तो फी अलग है, उसी तरह सामान अलग लेंगे, अलग अलग सामान पे अलग अलग टैक्स, सामान के ऊपर राइट, आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब गुड्स की बात है, सामान से मतलब है राइट, आप सामान ही तो कर दोगे। अब आपने दोनों पॉइंट को समझ लिया, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पेपर क्वार्टरली पेपर में इसे एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, हर टॉपिक से आएगा, प्रॉफिट लॉस से एक आएगा, तो प्रॉफिट से आएगा एक, लॉस से आएगा राइट, एक सीपी से आएगा, एक एसपी से आएगा, एक डिस्काउंट से आएगा ठीक है। तो आपका एक सिंपली डिस्काउंट दूंगा मैं, मतलब सिंगल डिस्काउंट से आएगा, और एक होगा सक्सेसिव डिस्काउंट से आएगा। सिंगल डिस्काउंट मतलब आपका 10% किसी पे डिस्काउंट दिया, अब आपको वहां पर एसपी फाइन करना रहेगा, मार्केट प्राइस नहीं देगा राइट। अब ये आपने समझ लिया ये क्वेश्चन किस तरह का, दोनों टॉपिक को समझ लिया, अब इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हमें राइट चीज करना पड़ेगा, और उसको राइट करने के लिए हमें इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज करके राइट करते हैं। और ये बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, या आपके आने वाले समय में भी काम आएगा, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो आने वाले टाइम में काम आता है, बट ये ज्यादा ही काम आने वाला है। अब इस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे राइट। अब एसपी का मतलब सेल टैक्स, वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स टैक्स जो होता है आपका प्राइस में इंक्लूड होता है, और अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स लगता है, उसके रेट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे अगर क्लास है, क्लास के अकॉर्डिंग फीस लगती है, अब क्वेश्चन वन की बात करता हूं मैं, बाज 8% फाइन कर दिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, द कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट एट रूपीज एट अ शोरूम, मीन्स क्या है, शोरूम में एक टीवी का कॉस्ट था, एक टीवी की मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, 36,500 राइट। एक बार कॉस्ट को फिर से चेक कर लेते हैं, सही है, शोरूम में एक टीवी का कॉस्ट था 36,500, द सेल टैक्स चार्ज वॉर 8%। सेल टैक्स डियर फ्रेंड्स,
चार्ज था 8%, राइट 8% आपका चार्ज था। फाइंड द बिल अमाउंट, हमें क्या करना है, बिल अमाउंट फाइंड करना, राइट। अब बियर चार्ज यहाँ पे देखिए, सेल टैक्स दिया है, चार्ज है 8%, राइट। इसी पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी हमने एससी और वैट पढ़ा, इसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले डिफरेंस हम लिखेंगे सीपीआर टीबी सेट इक्वल टू 36,500, राइट। अब ये टीबी का कॉस्ट था, राइट। अब बात करेंगे टैक्स की, बात सेल टैक्स हमारा सेल टैक्स दिया स्टूडेंट्स 8% था, राइट। 8% किसका होगा, सीपी का ही होगा, तो फाइंड करते हैं, राइट। एट अपॉन 100 इंटू 3650, राइट। डियर सेंस बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो डियर सेंस 20 यहां दिख रहा है, 20 से 20 कट गया, राइट। अब ऊपर बचा 8 × 36 = 3065 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 365 × 8, अब 8 × 5 = 40, 4 कैरी, 8 × 6 = 48, 48 में 8 प्लस कर देंगे, 48 में आप क्या करोगे डिवीजन, 4 प्लस कर दोगे तो कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा 52, 2 लिखोगे 5 हमारा कैरी हो जाएगा, राइट। 8 × 3 = 24, 24 में 5 प्लस कर देंगे 29 हो जाएगा। ये एक्सपेंस ये 2920 होगा। अब ये एक्सपेंस आपका ये 8% आया किसका, 36,500 का, तो ये आपका टैक्स है, राइट। तो बिल अमाउंट लिखना हमें, बिल अमाउंट डियर स्टूडेंट्स कुछ हमारा ऐसा होगा इस तरीके से, रुपीज 36,500 प्लस 2920, इसको ऐड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स 36,500 को 2920 में, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा होगा 1 carry 6 to 8 1 carry 9, और ये हमारा 3940 रुपीज 3940 होगा, राइट। अब ये सेंस ये आपका जो आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या था, बिल अमाउंट, तो बिल अमाउंट हमने फाइंड हमने कर दिया, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ इसी तरह का रहेगा, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, पेपर में आपका जो आएगा क्वेश्चन कुछ इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, इजी बहुत इजी होगा। बहुत इजी आने वाला है पेपर में, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट उन बच्चों के लिए जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, रमन ब्रॉट एंड एयर कूलर, एंड एयर कूलर
₹4,5400 पर ₹5400 इंक्लूडिंग वैट एट परसेंट फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कूलर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. रमन ब्रॉड एंड कूलर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग वैट 8% फाइंड द ओरिजिनल प्राइस. एक कूलर है इसका कॉस्ट जो है डियर फ्रेंड्स 5400 है, उसमें इंक्लूड है 8% वैट टैक्स. ओके वैट मींस वैट बोले तो वैल्यू एडेड टैक्स आपको मैंने बताया कि वैट का मतलब क्या होता है. वैल्यू एडेड टैक्स राइट. ये अलग अलग आइटम पे अलग अलग रेट के हिसाब से चार्ज होता है. जिस तरीके का कोई आर्टिकल है उस तरीके का ये टैक्स लगेगा, सब पे एक जैसा नहीं लगेगा राइट. अब यहां पे डियर फ्रेंड्स हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है. ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है. यहाँ पे बोला गया है कि रमन एक कूलर ब्रॉड कर रहा है, परचेज कर रहा है, उसका जो कॉस्ट है 5400 है. तो जो खरीद अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो सामान आप परचेज करते हो उसके लिए जो अमाउंट पे करते हो खरीदने पे वही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जी फ्रेंड्स 5400 है, उसमें 8% वैट एड है राइट. तो हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है. तो ओरिजिनल प्राइस आपका नहीं दिया हुआ है तो आप डियर फ्रेंड्स पहले उसे लेट करोगे कि ओरिजिनल प्राइस आपका एक्स है. तो हम ले लेते हैं लेट दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ दी कूलर. कूलर की ओरिजिनल प्राइस कितनी है डियर फ्रेंड्स, तो एक्स है इक्वल टू एक्स. आपने माना है यहां पे, दिया नहीं है आपने माना है राइट. अब हमें मिल गया ओरिजिनल प्राइस, क्या मिला है एक्स मिला है राइट. वैट हम फाइंड करते हैं फ्रेंड्स. वैट फाइंड करने के लिए वैट फाइंड करेंगे 8% किसका, तो ओरिजिनल प्राइस का राइट. 8% आप एक्स कर लेते हैं, 8/100 इंटू एक्स हो जाएगा. इसे हम कट कर देते हैं फ्रेंड्स, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा. अब ये 2/25 एक्स हो गया, ये हमारा डिफरेंस वैट निकाला हमने 8% किससे, ओरिजिनल प्राइस का 8% हमारा क्या है 2/25 एक्स राइट. अब बात करते हैं प्राइस इंक्लूडिंग वैट. जैसे आपने मैंने क्या बोला कि जो आपका वैट होता है इंक्लूड होता है किसमें, किसी भी आर्टिकल में, आर्टिकल के प्राइस के प्राइस में ही क्या होता है इंक्लूड होता है. और अलग अलग आइटम पे अलग अलग वैट टैक्स लगते हैं, वैट लगते हैं. वैट वैट बोले तो वैल्यू एडेड टैक्स की मैं बात कर रहा हूं राइट. अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो 8% है उसको लोगे और जो ओरिजिनल अमाउंट हो उसको लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे. तो हमारा क्या प्राइस इंक्लूडिंग वैट आ रहा है एक्स प्लस
टू एक्स अपॉन 25 यहाँ पे 1 हो जाएगा, एलसीएम लोगे 25 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25 एक्स डिवाइड मल्टीप्लाई तो 25 एक्स हो जाएगा। इधर हमारा 2x है, 27 एक्स अपॉन 25 का राइट। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन क्या है, तो इसका कॉस्ट दिया हुआ है 2400, इसको ले लेते हैं और x की वैल्यू लेते हैं इसको, तो 27x अपॉन 25 इक्वल टू 5400 राइट। x को सॉल्व करने के लिए 5400 इधर है, ये आपका साइन चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, इधर मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे चला आएगा। अब इसे ये 2 टाइम में कट जाएगा, 27 से 54 2 टाइम में कटा, 00 एज इट इज लिख देंगे, 200 इंटू 25 हुआ राइट, 25 2 50 00 ऐड कर देंगे यहाँ पे, हमारा 5000 आ गया। ओरिजिनल प्राइस क्या है डियर स्टूडेंट्स, 5000 होगा हमारा, हमें फाइंड क्या करना था, ओरिजिनल प्राइस डी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ डी कूलर इज 5000। इतना है हमारा कूलर का ओरिजिनल प्राइस 5000 राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंट था सेकंड से, और सेकंड भी फर्स्ट से डिफरेंट होगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड भी कुछ डिफरेंट ही होगा, फर्स्ट सेकेंड डिफरेंट था तो थर्ड भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा कि आप 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ ठीक है, 3 टाइप में कोई भी टाइप का आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, अब एक ही जैसा बार बार कराऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, बट पेपर में एक ही टाइप का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, कैसा भी आ सकता है। क्वेश्चन थर्ड की मैं बात कर रहा हूं, थर्ड नंबर अ कलर टिकट इज अवेलेबल, अ कलर टीवी इज for rupees 26,880 for rupees 26,880 include of VAT if the cost price is the original price, if the original price या original cost, समझ लो original cost of the TV is 2400, find the rate of VAT, find the rate of VAT. Dear friends, यहां पे टीवी है अवेलेबल कितने में, 26,880 में इंक्लूड VAT राइट। VAT क्या है, इंक्लूड है, और ओरिजिनल कॉस्ट जो है टीवी का 24,000 है,
हमें वैट टैक्स बताना है, वैट टैक्स कितना परसेंट लगा हुआ है, राइट। अब ऑब्जेक्शंस इसको हम फाइंड करते हैं। सिक्स टाइम है, ये हमारा डेस्ट सेवन टाइम है और ये टू टाइम।
यस फ्रेंड्स, 6 से ये कट जाएगा 1 और ये 2 जाएंगे, हमारा 12% आ जाएगा। यस फ्रेंड्स, वेट जो होगा हमारा 12% होगा, राइट। आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आज का जो टॉपिक था डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है एसटी था और वेट था। एसटी बोले तो सेल टैक्स, वेट बोले तो वैल्यू एडेड टैक्स, राइट।